ए गुड मूवी टू वॉच। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए गुड मूवी टू वॉच, जहां आपको मिलते हैं मूवीज, वेब सीरीज रिव्यूज और भी बहुत कुछ। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं ब्रीद इनटू द शैडो का रिव्यू। ब्रीद इनटू द शैडो में स्टार कास्ट हैं अभिषेक बच्चन, नित्या आनंद और एक छोटी बच्ची, और है अमित साध, और एक विलन भी है जिसका अभी तक चेहरा दिखाया नहीं गया है लेकिन उसकी आवाज आ रही है, और वो भी मुझे लगता है वो मनी हाइस्ट जो है उससे चोरी किया हुआ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो अपनी आवाज एनकोड, डिक्रिप्ट और पता नहीं क्या क्या करके हैवी बनाकर उसको अभिषेक बच्चन के सामने भेज रहा है। काफी सारा चोरी किया हुआ कंटेंट हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिल सकता है, काफी क्लिशे वाली कहानी मिल सकती है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखेंगे कि अभिषेक बच्चन की एक्टिंग में कुछ दम हो। देखने को मिलेगा ये सब आपको 10 जुलाई को रिलीज होने वाली है ये वेब सीरीज। तो मुझे तो बहुत सारी उम्मीद थी अभिषेक बच्चन की इस वेब सीरीज से, लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी एक स्टैंडर्ड एक्टिंग लेवल पर फंसे हुए हैं। उनके बोलने का तरीका वो नहीं आ रहा है फील जो हाथीराम चौधरी का आ रहा था पाताल लोक में, कालीन भैया और बबलू भैया गुड्डू पंडित का आ रहा था मिर्जापुर में, अमेजॉन प्राइम आर माधवन का आ रहा था ब्रीद फर्स्ट में, बट अभिषेक बच्चन अभी भी मुझे लगता है डायलॉग बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हो सकता है उनके कैरेक्टर की डिमांड यही हो, इस तरीके से बोलना हो, बट फिर भी आई नीड सम मोर एंथुजियाज्म फ्रॉम अभिषेक बच्चन। होप सो, ऑल द बेस्ट अभिषेक बच्चन को मेरी तरफ से फिर भी, कि ये उनका बहुत बढ़िया रहे और ये वेब सीरीज। स्टोरी में मुझे लगता है कि हमें कुछ नयापन कुछ शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि मेरा मानना है वेब सीरीज में आपको कैरेक्टर, कहानी और सभी चीजों को खोलने का मौका मिलता है। बहुत सारे एपिसोड होते हैं, काफी टाइम मिलता है, आप 4 से 6 घंटे के बीच की आप सीरीज बनाते हो, तो देखते हैं क्या इसका हो पाता है। अमित साध इसमें हमें फिर पहले की तरह देखने को मिले हैं, साउथ एक्ट्रेस नित्या आनंद हमें देखने को मिली हैं, जिनकी एक्टिंग, जो अपनी एक्टिंग का लोहा पहले ही मनवा चुकी हैं। विलेन कौन है ये अभी तक समझ नहीं आया है। कहानी को मैं कोशिश करूंगा इन फोटोज और इन स्क्रीनशॉट्स के थ्रू समझाने की, तो जरा आप भी देखिएगा कैसे मिलती है हमें नई कहानी या पुरानी कहानी। Hey everyone, so let's talk about the story of Breathe Into the Shadow. सबसे पहले हमें इस सीरीज में ट्रेलर के हिसाब से जो चीजें हमारे सामने निकल के आ रही हैं, आई एम जस्ट कंपाइलिंग देम। तो सबसे पहले ये दिखाई देता है कि डॉक्टर अविनाश अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, जिसमें उनकी वाइफ और उनकी बेटी सिया है, और तभी वो शी इज़ मिसिंग, उसका किडनैप किया कर लिया जाता है, और 2-3 महीने होने के बाद भी किडनैपर उन्हें कांटेक्ट नहीं करता है, और फिर अचानक से किडनैपर उन्हें कांटेक्ट करता है। किडनैपर की आवाज़ को बड़ा ही और हैवी मोड में उसको लाकर सुनाया गया है, ये कॉन्सेप्ट लगता है मनी हाइस्ट का। और यहीं पर किडनैपर को भी दिखाया गया है, लेकिन उसने मुखौटा पहना है और अपने आप को, उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की गई है ट्रेलर में अभी तक। अभिषेक बच्चन खुद इस इन्वेस्टिगेशन में कूद जाएंगे जो अपनी बेटी को वापस लाना चाहते। यहाँ पर कुछ असुर का कॉन्सेप्ट मुझे चुराया हुआ लग रहा है, जैसे असुर में विलन जो होता है शुभ, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता है, कई रूपों में नजर आता है और कई सारे लोगों को किडनैप भी कर लेता है, तो इसी तरीके से कुछ ऐसा भी समझ में आ रहा है। अभी एक जगह दिखाया गया है कि सिया एक जगह किडनैपर से आजाद होने के लिए भागने की कोशिश करती है, वो एक टॉर्च लेकर छोटे रास्ते से निकलती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली ये ट्रेलर सवाल ज्यादा खड़े करता है जवाब के मुकाबले, बहुत सारे सवाल इसमें सामने आ रहे हैं। पहला, किलर किडनैपर कौन है? दूसरा, वो अभिषेक बच्चन से किलिंग करवाना चाहता है कुछ लोगों की, ना कि उसे पैसे चाहिए। ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए तो एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, साथ ही साथ वो किडनैपर को भी पकड़ने की कोशिश करेगा, उसकी साइकोलॉजी को मैच करने की कोशिश करेगा, तो देखते हैं अभिषेक बच्चन किस हद तक कामयाब हो पाते हैं, लेट्स सी। इस तरीके से ब्रीद इनटू द शैडो हमारे सामने अनफोल्ड होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर हमें कॉपी भी करी हुई मिलेंगी, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा देखना एक्टिंग। अभिषेक बच्चन ब्रीद इनटू द शैडो से पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू कर रहे हैं, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि वो इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या अभिषेक बच्चन का जादू ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल पाएगा,
ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बॉलीवुड में वो इतना कुछ खास कमाल अभी तक नहीं कर पाए हैं। 20 साल उनके बॉलीवुड में अभी पूरे हुए हैं। कुछ ही दिन पहले तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं शुरुआत ही कर रहा हूं, और दूर से देखने पर एज अ ऑडियंस दर्शक मुझे भी लगता है कि अभी तक अभिषेक बच्चन अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे हैं ढंग से देखा जाए तो, बिकॉज ही हैज नॉट गोन टू दैट फार जितना उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। अगर बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग मुझे अभी भी एक स्टैंडर्ड लेवल की लग रही है, जो कैरेक्टर में घुस के, और जैसे अभी हमने पाताल लोक में हाथीराम चौधरी को देखा, मतलब कैरेक्टर में एकदम घुसे हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, कहानी उनकी भी पुरानी थी। वेब सीरीज में एक बात मैं ये मानता हूं कि आपको एक कैरेक्टर को, हर कैरेक्टर को खोलने का, अच्छे से दिखाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि काफी सारा टाइम होता है, बहुत सारा टाइम होता है, 7-8-9 एपिसोड होते हैं। तो बेसिकली अभिषेक बच्चन अभी भी अपना स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो कैरेक्टर में ज्यादा घुसे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बट हो सकता है ये उनके कैरेक्टर की डिमांड हो, अभी ये सीरीज देखने के बाद ही पता लगेगा। नित्या आनंद, अमित साध एज अ इंस्पेक्टर उसमें काम कर रहे हैं, तो वो दोनों प्रॉमिसिंग दिखे मुझे, उनकी एक्टिंग में मुझे दम लग रहा है, बट आई एम इन डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ अभिषेक बच्चन। तो अभिषेक बच्चन का देखना होगा, और हो सकता है वो इस बार निखर कर भी आए, क्योंकि कुछ सीन में वो प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये ब्रीद इनटू द शैडो का रिव्यू, और आपको ये कैसा लगा, आपके हिसाब से क्या कहानी हो सकती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में नई कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ए गुड मूवी टू वॉच।